टूर क्या होता है? टूर ये होता है कि जिसमें कि किसी यात्रा के दौरान यात्री को सारी सुविधाएं के अनुसार वो ट्रेवल करता है, मतलब पूरी सुविधा लेकर के ट्रेवल करता है, उसको टूर कहते हैं। राइट। टूर कितने प्रकार के होते हैं? टूर बेसिकली 3-4-5 प्रकार के होते हैं, जैसे कस्टम डिजाइन टूर होते हैं, इंडिपेंडेंट टूर होते हैं, फ्लाइंग टाइप टूर होते हैं, स्कॉट टूर होता है, हॉस्टेड टूर होता है। राइट। टूर को किस प्रकार डाला जा सकता है? टूर को किस प्रकार डाला जा सकता है, ये बेसिकली पैकेट के बजट पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका कितना बजट है पैसेंजर का, उसके हिसाब से डाला जा सकता है। राइट। कस्टम डिजाइन टूर यात्री कब चुनता है? कस्टम यात्री तब चुनता है जब उसको सारी यात्री की यात्रा की सारी सुविधाओं को अपने आप कंट्रोल करना होता है, तब वो चूज करता है। राइट। कस्टम डिजाइन टूर में यात्रा का प्रबंध किस प्रकार किया जाता है? यात्रा का प्रबंध किस प्रकार किया जाता है, वो एक प्रोफेशनल गाइड के पास जा करके उनसे सारे अरेंजमेंट करवाता है, तो तब वो यात्रा करता है। यात्री की व्यक्तिगत जरूरतों को क्या क्या शामिल होता है? उसकी लॉजिंग फूडिंग शामिल होती है, उनके एंटरटेनमेंट की सुविधा शामिल होती है, और उनके ट्रांसपोर्ट की सुविधा शामिल होती है। कस्टम डिजाइन टूर किस टूर की तुलना में अधिक महंगे होते हैं? ये प्रीपैकेज टूर की तुलना में ज़्यादा महंगे होते हैं। कस्टम डिजाइन टूर कब आयोजित किए जाते हैं? ये कस्टम डिजाइन तो तब जब जब पैसेंजर को खुद से यात्रा करना होता है, वो सारी चीज़ पे खुद कंट्रोल पाना चाहता है, तब वो उसको ऑर्गेनाइज करता है। इंडिपेंडेंट टूर में यात्री किस तरीके से यात्रा करता है? वो यात्री फ्री तरीके से यात्रा करता है, वो अपनी मर्जी से यात्रा करता है, बिना किसी होस्ट गाइड के, बिना किसी स्कॉट के। इंडिपेंडेंट टूर में यात्री कब प्रस्थान या वापसी करता है? इसमें उसका कोई लिमिट नहीं होता, वो उसका जब दिल चाहे तब वो जा सकता है, जब दिल चाहे वो आ सकता है उस प्लेस से। इंडिपेंडेंट टूर में यात्री किस प्रकार यात्रा करता है? वो बेसिकली किस प्रकार यात्रा करता है, वो उसका कोई लिमिट नहीं है, वो अकेला यात्रा करता है, किसी के साथ, कोई उसका प्रोफेशनल गाइड नहीं होता, कोई उसका टूर स्कॉट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट टूर में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इंडिपेंडेंट टूर में यात्री की एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से आने और जाने की रहती है, और उसके ट्रांसपोर्टेशन की रहती है, वो किसी के जा रहा है, और उनके अकोमोडेशन उनके पास में रहता है, एकोमोडेशन मतलब वो कहाँ ठहरेगा उनको वो पता रहता है, किस होटल में ठहरेगा वो पता रहता है, उसको पर्टिकुलर चीज़ पता रहता है वो कहाँ जा रहा है। इंडिपेंडेंट टूर की यात्रा किन यात्रियों के बीच अधिक प्रचलित है? ये उनके बीच प्रचलित है जो कि छुट्टियों में होटल में आराम करना चाहते हैं, या अपने अपने माइंडसेट को पीसफुल जगह पे, मतलब कि शांति के लिए कहीं जाना चाहते हैं, जैसे कि रिजॉर्ट में। फ्लाइट ड्राइव टूर में यात्री किस प्रकार यात्रा करता है? फ्लाइट ड्राइव टूर में यात्री इस प्रकार यात्रा करता है, जैसे कि उसका जब दिल चाहे वो लंदन से दुबई जा सकता है, चाहे वो उड़ के जा सकता है, चाहे वो ट्रेन से जा सकता है, चाहे वो बस से जा सकता है, मतलब उनके पास उनको लिमिट नहीं रहते, वो कब जा सकता है, किसी भी तरह जा सकता है। प्लीज रिपीट रिपीट द क्वेश्चन। फ्लाई ड्राइव टूर में यात्री किस प्रकार यात्रा करता है? बेसिकली यात्री उसमें अपने सब कुछ उनके पास कंट्रोलेड रहता है, वो एक जगह से दूसरे, मतलब कि एक जगह यात्रा परमानेंट पता नहीं उसको कि मेरे को यहाँ ही घूमना है, वो किसी भी जगह घूम सकता है, एक जगह से दूसरी 10 जगह घूम सकता है, 5 जगह घूम सकता है। फ्लाई ड्राइव टूर में क्या क्या शामिल होता है? फ्लाई ड्राइव टूर में उसके एकोमोडेशन शामिल होते हैं, जैसे कि वो जिस जगह जा रहा है वहाँ कार रेंट पे ले सकता है, वहाँ रेंट पे घूम सकता है, और अपने अनुसार वो यात्रा कर सकता है। क्या सॉरी रिपीट क्वेश्चन। फ्लाई ड्राइव टूर में क्या क्या शामिल होता है? फ्लाइट टूर में पैसेंजर अपने आप ये चूज करता है कि उसको, जैसे कि वो कहीं जा रहा है तो उसको वहाँ पे जाने के बाद कार रेंट पे लेना है कि नहीं लेना है, वो वहाँ जाकर रेंट पे कार लेके घूम सकता है, या फिर उसको कोई हवाई जहाज से जा सकता है, ऐसे घूम सकता है बेसिकली। फ्लाइट टूर किन यात्रियों के बीच अधिक प्रचलित है? ये इंडिपेंडेंट के बीच ज़्यादा प्रचलित है। रॉन्ग। हॉस्टेड टूर में यात्री किस प्रकार की यात्रा करता है? हॉस्टेड टूर में यात्री जैसे कि मेहमान नवाजी की तरह यात्रा करता है, किसी के पास जाता है तो वहाँ उसके पास रुकता है, और किसी के रॉन्ग। हॉस्टेड टूर में मेजबान कौन होता है? होस्ट। हु इज द होस्ट इन हॉस्टेड टूर? द टू ट्रेवलर।
रॉन्ग. Who welcomes traveler to the airport or hotel in hosted tour? किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है और या कोई होस्ट होता है. Right. What kind of information does the host provide to the passenger in hosted tour? वो पैसेंजर को ये बताता है कि अगर पैसेंजर यहाँ कहीं जो घूमने जा रहा है तो उसके बाद उसको कहाँ जाना, उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि वहाँ कहाँ जहाँ जा रहा है वो कहाँ 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 घूम सकता है और उसके बाद क्या क्या जरूरत पड़ सकती है वो होस्ट ले सकता है. राइट. होस्टेड टूर में यात्री यात्रा के लिए किस प्रकार पहुँचते हैं? वो यात्रा के लिए पहले इन्फॉर्मेशन कर देते हैं पहले किसी रिप्रेजेंटेटिव को और उसके बाद उनको बता देते हैं कि मैं इतने तारीख को वहाँ पर घूमने जाऊँगा. रॉन्ग. होस्टेड टूर में यात्रियों की गतिविधि किस प्रकार होती है? बेसिकली उनकी गतिविधि अलग अलग जैसे कि अलग अलग होती है. वो जहाँ जाते हैं वहाँ एक जगह पर नहीं रुकते हैं, उसके बाद वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर. राइट. होस्टेड टूर किन यात्रियों के लिए आदर्श है? होस्टेड टूर इंडिपेंडेंट के लिए आदर्श है और जो उन यात्रियों के लिए आदर्श है जो कि अकेला घूमना चाहते हैं, फ्रीली घूमना चाहते हैं. मेहमान मतलब कि वो होस्ट किसी के होस्ट के घर पे रहकर घूमना चाहते हैं. Right. उनसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं. एस्कॉर्टेड टूर यात्रियों को क्या प्रदान करता है? वो इंफॉर्मेशन प्रदान करता है यात्री को कि किस जगह पे वो जा रहा है और अकोमोडेशन प्रदान करता है, मतलब यात्री को जो जरूरत पड़ता है वो उनसे पूछ सकता है, ले सकता है. रॉन्ग. एस्कॉर्टेड टूर में यात्री किस प्रकार यात्रा करता है? स्कॉटेड टूर में यात्री उस तरह यात्रा करता है जैसे कि कहीं घूमने जा रहा है तो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जिसके पास घर में घूमने जा